साल 1932, आजादी से ठीक 15 साल पहले इंडिया को आजाद मुल्क का स्टेटस मिलने में अभी वक्त था, लेकिन हमारी क्रिकेट टीम को तब तक टेस्ट स्टेटस मिल चुका था। टीम ने इसी साल अपना पहला विदेशी टूर भी किया। हम इंग्लैंड गए। इस टूर के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा याद करने वाले नहीं रहे, लेकिन हम बात करेंगे इंडिया के अगले इंग्लैंड टूर की, वो टूर जिसमें मैदान के अंदर के खेल से ज्यादा चर्चा बाहर के खेल ने बटोरी। यहां तक कि टूर के बाद इस बारे में महात्मा गांधी ने भी एक प्लेयर से इसकी चर्चा कर डाली थी। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं। साल था 1936 का। इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे पर गई। अब भी क्रिकेट में महाराजाओं का दबदबा जारी था। रसूखदार विजयनगरम के महाराज कुमार विजी को इस दौरे की कप्तानी सौंपी गई। विजय ने इस रेस में पटियाला के महाराजा को पीछे छोड़ा। विजय इस दौरे के प्रायोजक थे और इसी हैसियत से उन्हें सेलेक्टर भी बनाया गया। सेलेक्टर बनने के बाद उन्होंने सबसे पहला फैसला लेते हुए खुद को ही टीम का कप्तान घोषित कर दिया। और जैसा कि कहते हैं ना कि ताकत सही चीज़ है, लेकिन अगर वो गलत व्यक्ति के हाथ में हो तो सब तबाह भी हो सकता है। विजी कप्तानी मिलते ही तानाशाही पर उतर आए। उन्होंने दौरे के बीच में ही स्टार ऑलराउंडर लाला अमरनाथ से लड़ाई कर ली, जिसके बाद लाला जी को टीम से बाहर कर दिया गया। सीरीज शुरू होने से पहले एक टूर मैच में भारत के एक एक करके विकेट्स गिर रहे थे, लेकिन लाला से खुन्नस पाले बैठे विजी उन्हें बैटिंग के लिए जाने ही नहीं दे रहे थे। उन्हें नंबर 5, नंबर 6 तक भी नहीं खेलने दिया गया। इसके बाद दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले लाला अमरनाथ की बैटिंग आई, और जब वो बैटिंग कर वापस लौटे तो गुस्से में उन्होंने अपने ग्लव्स अपनी किट पर पटक दी और पंजाबी में चिल्लाए, मैनू पता है कि की हो रहा। इसके बाद कप्तान ने लाला की शिकायत करते हुए उन्हें वापस घर भेज दिया। मेजर चेक ब्रिटिन जोन्स उस दौरे पर टीम इंडिया के मैनेजर थे, उन्होंने ही लाला जी का सामान बंधवा कर वापस घर भिजवाया। कई लोगों का ऐसा भी कहना था कि विजी अमरनाथ से महाराजा ऑफ पटियाला का बदला ले रहे थे। ये घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। एक इंटरव्यू में पूर्व भारतीय क्रिकेटर दीपक शोधन ने भी बताया था कि इस घटना पर महात्मा गांधी ने भी सीनियर बल्लेबाज विजय मर्चेंट से सवाल पूछ लिया था। गांधी जी ने पूछा था, तुम उस भारतीय टीम में थे जो इंग्लैंड गई थी, एक भारतीय खिलाड़ी को वापस भेज दिया गया, तुम्हारे खिलाड़ियों ने इस बारे में क्या किया? महात्मा गांधी की ये बात सुन विजय मर्चेंट हैरान रह गए। इस दौरे पर भारत ने लॉर्ड्स में खेला गया पहला टेस्ट 9 विकेट से गवाया था। इसके बाद भारत ने विजय मर्चेंट और सैयद मुश्ताक अली की शानदार पारियों से दूसरा टेस्ट ड्रॉ कराया। यहीं पर मुश्ताक अली विदेश में शतक जमाने वाले पहले भारतीय भी बने। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में पहले विकेट के लिए 203 रन की पार्टनरशिप की और मैच को इंग्लैंड की पकड़ से दूर कर दिया। हालांकि इसके बाद 15 अगस्त के दिन खेले गए सीरीज के तीसरे टेस्ट में भारत कुछ खास कमाल नहीं कर पाया और मुकाबला 9 विकेट से हार गया। आखिरी मुकाबले में भी विजय मर्चेंट और मुश्ताक अली ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन खराब कप्तानी इस मुकाबले में भी टीम इंडिया को ले डूबी। 1936 के इस दौरे पर विजी की कप्तानी को डिजास्ट्रस करार दिया गया। उस दौरे पर गई भारतीय टीम को इतिहास में सबसे खराब नेतृत्व वाली टीम माना गया। इस दौरे के बाद 1937 में एक जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट में लाला अमरनाथ निर्दोष पाए गए। और बाद में भारतीय क्रिकेट किस तरह से बदला, ये हम सब जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर ये वीडियो आपके लिए ललन टॉप स्पोर्ट्स की टीम लेकर आई थी। और अगर आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और साथ ही आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको खेलों से जुड़े इंस्टेंट अपडेट्स मिलते हैं। हमारे चैनल पर आपको किस्से, कहानी, इंटरव्यूज़ और तमाम खेलों से जुड़ी जानकारियाँ मिलती हैं। कैमरे के पीछे है मोहन, मेरा नाम है विपिन। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।